हमने तुमको देखा। The most impacted auto component due to increase in price is tire industry. Tire industry is continuously facing pressure due to increase in natural rubber price and due to increase in crude oil derivative. These two are the major contributor when it's come to making a tire. So, if we talk about companies like MRF, Apollo, like big companies into the tire industry, they can feel pressure. And the margin jo kami aa sakti hai, wo 330 se lekar 470 basis point ki aa sakti hai. उसी के पीछे रीजन है क्या, रॉ मटेरियल के अंदर प्राइस इंक्रीज होना। तो अगर हम नेचुरल रबर की बात करें तो ग्लोबली जो इसका डिमांड है वो बढ़ चुका है, बट जो इसका सप्लाई है लिमिटेड है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही रीजन है जो टायर इंडस्ट्री को थोड़ा सा परेशान कर रही है, क्योंकि टायर इंडस्ट्री है वो अपनी कॉस्ट ट्रांसफर पब्लिक तक नहीं कर सकती है। उसके पीछे रीजन एक मेजर ये है कि जो टायर इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू आता है, 30% रिवेन्यू आता है ऑटो मेकर कंपनी से, जहाँ पर उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और जहाँ पर उन्होंने कॉस्ट एस्केलेशन डाल रखा है कि कल को रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ा तो हम आपके प्राइजेस क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसी के साथ जो 70% रेवेन्यू आता है वो आता है रिप्लेसमेंट टायर से, जहाँ पर कॉस्ट ट्रांसफर करना क्या है बहुत ही मुश्किल काम है, जिसकी वजह से टायर इंडस्ट्री पे कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। और अगर आप पिछले एक महीने में जाकर देखेंगे तो टायर स्टॉक्स हैं जो वो 15-20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न व्हाई देयर इज़ अ फॉल इनटू द टायर इंडस्ट्री। एंड देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय सेल एन ओल्ड एनी शेयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।